हाय गाइस, मेरा नाम है जालंधर भारद्वाज और आप सभी को मेरे यूट्यूब टेक स्टार चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले चलते हैं फोटोशॉप में कस्टम सेव को कलर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं यहां पर कस्टम सेव को कलर किया हूं। सो फ्रेंड, सिंपली मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद आप अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पर रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको इसमें टाइप करना है फोटोशॉप और आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर एक इमेज को ओपन करना है सेव को। सो फ्रेंड, मैं यहाँ से फोटोशॉप को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद सिंपली मैं यहाँ से इस सेव को मैं फोटोशॉप में ड्रैग करके ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसी सेव के ऊपर पूरा काम करूँगा। सो फ्रेंड, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इस लेयर को यहाँ से अनलॉक कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर लेयर अनलॉक हो गया, इसके बाद आप मैं यहाँ से एक क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू लेयर को मैं यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ से नीचे वाले लेयर को पकड़ के ऊपर की ओर ड्रैग कर दूँगा, यानी इस लेयर को ऊपर कर दूँगा। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट मेनू में जाना है। हम सेलेक्ट मेनू में क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर कलर रेंज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है कलर रेंज का। सिंपली आपको यहां पर आप सिंपल में कलर को सेलेक्ट करेंगे और आप यहां से पूरा पूरा आप 200 कर लेंगे। इसके बाद आप यहां पर बैकग्राउंड कलर पर दो तीन बार क्लिक कर देंगे, जैसा कि मैं यहां पर दो तीन बार यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ओके पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर सेव सेलेक्ट हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे तो आपका यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर सलेक्शन डिसलेक्ट हो गया, आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से इरेजर टूल को सेलेक्ट करूँगा। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं यहाँ पर इरेजर टूल को सेलेक्ट करके यहाँ से कुछ टेक्स्ट टाइप है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर से रिमूव हो गया है, सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर लेयर स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले पर क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेयर का स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। सिंपली आप यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और आप यहां से कोई भी कलर दे सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप यहां पर कोई भी कलर लगा सकते हैं। सो फ्रेंड, यहां से मैं कलर को सेलेक्ट करूंगा, आप यहां से कोई भी कलर ले सकते हैं। सो फ्रेंड, आप यहां से ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपली आप यहां से फिर से ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से ओके पर क्लिक कर देंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से बैकग्राउंड में कलर फिल करेंगे तो सो फ्रेंड, आप यहाँ से बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से वो सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से कोई भी बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे और आप अपने कीबोर्ड में अल्ट प्लस बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा कलर फिल हो गया और हमारा सेव बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले हमारा ब्लैक एंड वाइट था, अब कुछ इस तरह का हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।